ये जनाब बहुत बड़ा आइनी बहरान पैदा हो गया है और इसमें मैं 100% आपको यकीन दिलाता हूँ कि न्याजी साहब गिरफ्तार हो जाएंगे, इमरान न्याजी, और ये जो डिप्टी स्पीकर है नासूरी वो गिरफ्तार हो जाएगा। और आइनी बहरान पैदा हो गया है, खिलवाड़ पैदा हो गया है, हमारे दिल बहुत टूट गए हैं, बहुत ज़्यादा टूट गए हैं। और ये मैं आपको बतौर वकील ये बता रहा हूँ कि इसे इमरान नहीं बच सकता, ये आइन तोड़ने के बराबर है, आर्टिकल 6 उसके ऊपर लगेगा और सुप्रीम कोर्ट इसमें काली को नोटिस जारी करेगी। और आप देखें ये जो इसको निकाला गया है गुलाम सरवर को, गवर्नर को, वो भी बड़े अहम राज बता रहे हैं, ज़रा देखें वो क्या कह रहे हैं, बता रहे, सुनो। लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक हर बंदा आहे भर रहा था कि हमने ये पाकिस्तान बनाना था जिसमें हर 3 महीने के बाद कभी प्राइम और बदला, चीफ मिनिस्टर बदला जा रहा है, चीफ सेक्रेटरी बदला जा रहा है, कभी आईजी आ रहा है, कभी मुलाजमतें बिक रही हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि डीसी पैसे दे के लग रहे हो, एसी पैसे दे के लग रहे हैं। हाय हाय, हमने वो भी बर्दाश्त किया, हमने कहा कि हमने इमरान खान के साथ करेगा। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ थी कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब नहीं चल रहा है, एक तरफ इमरान खान था, एक तरफ पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं मानी, नहीं मानी। वाह। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है तो सबसे बड़ी इंटरनेशनल कंस्पिरेसी इस्मान बुज़दार को वजीर आला बनाना था। जाके देखें सड़कें पूरे पंजाब में टूटी फूटी पड़ी, रिश्वत जो है निचले लेवल पे कई गुना बढ़ गई है। लेकिन हमने कहा इमरान तेरे चट्टे कट्ठे बाहर आ रहे हैं, हमने इमरान खान के साथ बैठना है, हमने अपने दिल पे पत्थर रख के इमरान खान के साथ खड़े रहे। और उसके बाद मैं चुके जो जिसकी वजह से मैं सैक हुआ हूँ, वो बात मैं कौम को पाकिस्तान के लोगों को बता, मुझे क्यों निकाला गया। और मैं जो बात कह रहा हूँ अगर उसमें एक बात भी सच ना निकले, बड़ी अहम बात है, तो जो सजा ये कौम देगी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। पहली बात तो ये है कि पूरा पाकिस्तान रोता रहा, पंजाब रोता रहा, हमारे तहरीक इंसाफ के वर्कर रोते रहे कि इस्मान बाजार को तब्दील कर दो, नया चीफ मिनिस्टर ले आओ, नहीं मानी गई बात। फिर अखीर फैसला हुआ कि इस्मान बाजार को तब्दील करना है। 184 लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि पीटीआई के टिकट पे बन के आए हैं, उनमें से इमरान खान को एक बंदा भी पसंद नहीं आया जिसको वो चीफ मिनिस्टर बना सके, एक बंदा उसको नहीं आया उसको चीफ मिनिस्टर बना सके। उसने एक ऐसे शख्स को नामजद किया जो कि ना पीटीआई का मेंबर है ना पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा है। क्या वजह है? 184 मैं समझता हूं कि ये पीटीआई के वर्करों, पीटीआई के एमपी के चेहरे पे तमंचा है कि एक ऐसे शख्स को जो 3 साल से ब्लैकमेल कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो वो बयान देता रहा है पंजाब असेंबली में सबके सामने है, जिस तरीके से उसने तमस्ते लड़ाया है प्राइम मिनिस्टर का अपने इंटरव्यूज में, कभी वो जाके नून के साथ वजीर आला बन जाता है, फिर हमारा बन जाता है, फिर आप उस शख्स, आप एक तरफ कहते हैं कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा, फिर आप उस शख्स से ब्लैकमेल हो रहे हैं जिसके पास 9 MPA। इमरान तेरे कच्चे चट्टे बाहर आने शुरू हो गए कहानियां, अभी तो मुराद सईद और ये कहानियां भी बाहर आएंगी उनकी करप्शन। उस वक्त मुल्क में पंजाब के अंदर 4 सूबे नहीं थे, पंजाब के अंदर एक बहावलपुर सूबा था, एक गुजरात सूबा था, एक पंजाब के अंदर चकवाल सूबा था, एक मंडी बहाउद्दीन सूबा था। तो मैंने एक दफा किसी काम के लिए एक सीनियर पुलिस अफिसर को फोन किया, तो जब उसने मुझे बताया कि सर इस डिस्ट्रिक्ट में एक ही बंदे की हामियत चलती है, उस डिस्ट्रिक्ट में और कोई कुछ नहीं कर सकता, हमने ये भी बर्दाश्त इसलिए कि हम पार्टी के साथ लाए रहना चाहते थे। पाकिस्तान के वर्कर मुझसे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूं, मैं उनको नहीं छोड़ना चाहता था। और हमारे जो दोस्त हैं
उनको मैं नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने कहा मैंने सब्र करना है, मैंने सब्र करना है, और मैंने सब्र किया, फिर हालत यहां तक पहुंची। मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि मुझ पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैं सहाबाई असेंबली के अजलास को ताखीर डिलीबरेटरी कर रहा था अपोजिशन के कहने पे। मैं डबल प्ले कर रहा था। तो मैं आज ये बात चैलेंज करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरी 2 मीटिंग हुई। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि चौधरी साहब हर सूरत में पंजाब असेंबली का अजलास 3 अप्रैल के बाद होना चाहिए। लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया चौधरी परवेज अलाई को कि मेरे पास ये अमानत थी प्राइम मिनिस्टर की। मैं नहीं चाहता था कि अपने प्राइम मिनिस्टर को इमरान तेरे राज निकलने लग गए हैं। और चौधरी क्यों मुझसे नाराज है कि मैंने असेंबली का अजलास नहीं बुलाया? वो भाई मेरे पास इस्तीफा आए, इस्तीफों को मंजूर करूं तो फिर असेंबली का अजलास बुलाऊं। फिर 2 तारीख को इन्होंने मुझे कहा कि आज ही इस्तीफा मंजूर करो और आज ही असेंबली का अजलास करो। तो मैंने कहा भाई मैं प्राइम मिनिस्टर के पास जा रहा हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करूंगा और उसके बाद मैं इस्तीफा है वो मंजूर करूंगा। मैं वहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गया, वहां पार्टी के साथ 8 रहनुमा थे। कोई मेरी बात को कुरान पे हाथ रख के झूठा कहे जो मैं आज बात करने लगा हूं। तो मैंने उन्होंने कहा जी इस्तीफा मंजूर। मैं कहा सर मंजूर। उसके बाद उन्होंने कहा परवेज खटक साहब एक कागज का टुकड़ा ले आए मेरे पास, इस पे दस्तखत करो। मैंने कहा भाई ये क्या है? नहीं दस्तखत करो। उस पे लिखा हुआ था कि 2 अप्रैल को असेंबली का अजलास बुलाया जाए। मैंने कहा सर खुदा के लिए मैं बरतानिया की मेंबर पार्लियामेंट रहा, मैंने अपनी जिंदगी सारी गैर कानूनी गैर आईनी काम नहीं किया। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की प्रायोरिटी पे बिलीव करता हूं। अभी इस्तीफा मेरे पास है, इस्तीफा ने जाना है लॉ डिपार्टमेंट में, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी के पास जाना है, उसके बाद उसकी नोटिफिकेशन होनी है, उस नोटिफिकेशन के बाद लॉ डिपार्टमेंट ने समरी मूव करनी है सभा असेंबली की। सर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूं, सर मुझसे ये गुनाह ना कराएं। सर रात के अंधेरे में मुझसे असेंबली का इजलास ना बुलाएं। अगर आप ये जरूरी चाहते हैं तो खुदा के लिए मुझसे रिजाइन ले लो, मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। और फिर जो मर्जी गैर आईनी काम कराना है नए गवर्नमेंट से करवा लो। वहां प्रवेश खटक ने इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। मैंने तहमत किया, मैं इस बात में मानता हूं कि मैंने उस वक्त अपनी आवाज ऊंची की इसलिए कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा काम पहली दफा कर रहा। तो फिर 10-15 मिनट के बाद फिर मेरे पास आए प्रवेश दलाही। ये कहता है कि अगर इलेक्शन 2 को नहीं होता तो मैं जीत नहीं सकता, 2 को इलेक्शन करवाना जरूरी है। मैंने फिर प्राइम मिनिस्टर के पास गया, मैंने कहा मैं 5 मिनट प्राइम मिनिस्टर से अलादगी में मिलूंगा। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि सर ये 3.5 साल से हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं खुश नहीं हूं। हमारे पास 184 मेंबर्स थे, उनमें से क्यों एक नहीं बन सकता? मेरा दिल नहीं करता इसको सपोर्ट करने को, और ये काम भी मैं अपने दिल पे पत्थर रख के सर अगर आप हुक्म देते हैं तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूं। और मैंने वो दस्तखत भी कर दिए अपने जमीर के खिलाफ। लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैंने रात के अंधेरे में गैर आईनी गैर कानूनी काम किया और फिर रात के अंधेरे में मुझे सैक कर दिया गया। मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे दस्तखत नहीं करने चाहिए। देखो देखो तकलीफ है, बहुत दुख है, बहुत रंज है कि पाकिस्तान एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। मैंने मियां बरादरान को रिजाइन दिया, आप सब जानते हैं कि मैंने आज तक उनके बारे में कभी बात नहीं की, और पूरी दुनिया जानती है कि पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन ने भी कभी मेरी जात मेरे करेक्टर पे बात नहीं की। एक बात पाकिस्तान में सबको पता है कि मोहम्मद सरवर कोई गैर कानूनी और गैर आईनी काम नहीं करेगा, ये सबको मालूम है।
इसलिए मेरी वो इज्जत करते हैं। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मैं कुछ 10 दफा रिजाइन देने की कोशिश की है पिछले 2 सालों में। मेरे जमीर पे बड़ा बोझ था, मैं तकलीफ में था जो पंजाब में हो रहा उसको देख, जो तमाशे चल रहे थे। मुझे मेरा रिजाइन, मैं प्यार से जाना चाहता था, मैं लड़ाई करके नहीं जाना चाहता था, मैं गाली गलौज की सियासत से बिलीव नहीं करता। अब भी मैं कहता हूँ कि मैं पीटीआई के दोस्तों के साथ नो जी, ये वादा लोग माफ गवाह बनेंगे, ये लोग इमरान खान तेरे ऊपर ये वादा माफ गवाह बनेंगे, तू बच नहीं सकता, अब तू बच नहीं सकता। तूने ऐसे इकदाम कर दिया है कि तूने इतना बड़ा जुर्म कर दिया है, जैसे 302 होता है ना, कोई जब बंदे से हो जाता है तो वो फिर बच नहीं सकता। ये चौधरी सरवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, और ये इस वक्त इतना आईनी बहरान पैदा हुआ हुआ है, एक तरफ ये चौधरी सरवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दूसरी तरफ ये इजलास जारी है। आपको पता है इजलास, ये कौमी असम्बली का इजलास, एजाज सादिक ने ये खबर देखें, और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने भी जनाब अपने साथी जजों को घर में बुला लिया है, और कौमी असम्बली का ये अपोजिशन का इजलास भी जारी है। इस वक्त इतना बहरान है, हर 10 मिनट के बाद एक नई खबर आ रही है, और ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस वक्त हम एक चीज़ नहीं बता सकते, कौमी असम्बली भी अपना आज वज़ीर आज़म भी मुंतखिब कर सकती है, स्पीकर भी मुंतखिब कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस भी ले सकती है। चौधरी सरवर ने भी इमरान की बहुत ज़्यादा बेईमानियाँ बताई हैं और गैर कानूनी हरकतें बताई हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा गैर कानूनी माफिया डान जो मर्जी कहें, ये इमरान के ऊपर फिट होता है। ये भेड़िया निकला है, ये भेड़िया निकला है बड़े उसके बकरे की खाल में, जैसे भेड़िया अंदर छुपा होता है ना, ये वो वाला निकला है, और ये अब किसी सूरत नहीं बच सकता है। इसकी सजाए मौत के अलावा इसको कुछ नहीं मिलेगा, मैं आपको ये बता दूं। आर्टिकल 6 सारे वकला, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सारे ये कह रहे हैं, और ये मैंने कहा था कि ये इसके ऊपर गवाह बनेंगे, अभी देख लेना, ये शेख रशीद इसके ऊपर गवाह बनेगा, ये फवाद चौधरी गवाह बनेगा कि मुझे भी मजबूर किया गया है, ये वादा माफ गवाह बनेंगे इमरान के ऊपर। इमरान और जो कासूरी है, ये डायरेक्ट जो है ना आर्टिकल 6 की हिट में आते हैं, इनको फौरन गिरफ्तार करना चाहिए, और इनको अगर गिरफ्तार ना किया गया तो मुल्क में और हालात ख़राब होंगे। और इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन में आ गई है, सुप्रीम कोर्ट अभी कोई अहम ऐलान करने वाली है, सारा आपको बताते हैं। सब इमरान खान ने किए किराए पे पानी फेर दिया है, अब इमरान किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, ये भागने की कोशिश करेंगे, शहबाज गिल और ये सारे लोग, इनको गिरफ्तार करना चाहिए, इन्होंने आर्टिकल 6 का जुर्म कर दिया है, इनकी गिरफ्तारी फौरी तौर पे करनी चाहिए, और बनीगाला पे छापा मारना चाहिए, और इमरान को वहाँ भागने नहीं देना चाहिए। इस ये सारे वकला का यही राय है, सब जो टीवी पे आप चीज़ें देख रहे हैं वो यही है, अब इमरान खान को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता।